नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सर। मैं स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपेयर नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में बिहार पुलिस के बारे में गाइस कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, आपका फिजिकल के बारे में बात करेंगे, आपका फिजिकल कब और कैसे होगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पूरा देखना, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं गाइस, आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात कर लेता हूँ कि वैकेंसीज कितनी है इसमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स नीचे आइए, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगर आपकी मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ, इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 11,880 वैकेंसी टोटल है आपकी वैकेंसीज इसमें, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, जब आप रिटन टेस्ट आपका हो चुका है, रिटन टेस्ट में कम से कम मान लो आपके 60,000 समथिंग बच्चे पास करेंगे, ठीक है। और 60,000 के पास एडमिट कार्ड जाएंगे, सबसे पहले आपका इसमें फिजिकल होगा, ठीक है, जिसे को हम रेस भी कह देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल आपका कैसे होगा तो यहाँ पे उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, द्वितीय चरण शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। फ्रेंड्स जो आपका फिजिकल होगा जिसको हम PST कहते हैं, वो आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है। आप रिटन टेस्ट आपका हो चुका है, आपका एडमिट कार्ड आएंगे अभी, और आपको जब सेंटर पे जाओगे आपका वहाँ पे फिजिकल सेंटर पे, और आपका पटना होना है, ठीक है, एक स्कूल में, वहाँ पे आपका PST होगा मतलब फिजिकल, और आपके वहाँ पे 4 राउंड लगेंगे, एक राउंड 400 मीटर का होता है, आपको पता ही होगा, ये बात बताने की नहीं है, ठीक है। फिर आपको बता देता हूँ मैं, एक राउंड 400 मीटर का मतलब होगा, और आपको 4 चक्कर लगाने हैं, 4 चौक 16, 1600 मीटर आपकी टोटल रेस होगी, 1600 मीटर, जिसको हम 1 किलोमीटर 600 मीटर भी बोल देते हैं, ओके। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, दौड़ अधिकतम अंक 50, 50 अंक है जी आपको दौड़ के सबसे ज्यादा मतलब अंक अगर आप लेने हैं इसमें, तो आपको इसमें देखिए यहाँ पे सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में। आज देखिए आपका सबसे ज्यादा टाइम है 6 मिनट, 6 मिनट तक आप इस रेस को क्लियर कर सकते हो। 5 मिनट से अगर कम करते हो, देखिए यहाँ पे 5 मिनट से कम के लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। अगर आप वहाँ पे आज रेस को 5 मिनट से कम में या फिर 5 मिनट तक क्लियर कर लेते हो, तो आपको 50 नंबर मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। लेकिन देखिए गाइस, इसमें बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो 5 मिनट में नहीं कर पाएंगे इसको, सिर्फ वही क्लियर कर पाएंगे 5 मिनट में रेस को, जो आर्मी के स्टूडेंट हैं, जो आर्मी की तैयारी करते हैं, ठीक है। नीचे देखिए, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक, अगर आपकी रेस 5 से 5:20 तक है, तो आपको 40 नंबर मिलेंगे वहां पे, 40 अंक, ठीक है। अगर आपको देखिए यहाँ पे, अगर आपकी रेस 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक है, तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे नीचे देखिए, 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक, ऐसे देखिए 5:40 से लेके 6 मिनट तक आपकी रेस है, तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। और फिर नीचे देखिएगा एक और, 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। ऐसे अगर आप 6 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर टाइम लोगे 1600 मीटर रेस क्लियर करने में, तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्या सुना? अगर आप 6 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर अगर समय लोगे 1600 मीटर रेस क्लियर करने में, तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो आपको 6 मिनट के अंदर अंदर 1600 मीटर रेस की तैयारी करनी है, ठीक है। आज देखिए, तैयारी करना मुश्किल नहीं है, आज इसको आप आराम से घर पे कर सकते हो, या फिर आपके बाहर कोई एरिया हो वहाँ पे भी आराम से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं महिलाओं के बारे में, सभी कोटे की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर, जो भी महिलाएं हैं उनकी ओनली 1 किलोमीटर रेस होगी, ठीक है, अधिकतम 5 मिनट में, 4 मिनट से कम 50 अंक। अगर आप 1 किलोमीटर रेस, जो महिलाएं हैं 4 मिनट की रेस, अगर आप मतलब कि 1 किलोमीटर की रेस अगर आप 4 मिनट से कम में या फिर 4 मिनट भी हो सकता है क्लियर कर लेते हो, तो आपको 50 नंबर मिल जाएंगे आराम से। अगर आप 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक कर लेते हो, तो 40 नंबर मिलेंगे, ओनली गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ मैं ये। अगर आप 4 मिनट 20 सेकंड तक कर लेते हो रेस क्लियर, तो 40 नंबर मिलेंगे, और अगर आप 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक रेस क्लियर कर लेते हो, तो 30 नंबर मिलेंगे महिलाओं को, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक, आखिरी समय आपका 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको 1 किलोमीटर रेस क्लियर करनी है, तो यहाँ पे देखिए आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। नीचे देखिएगा, 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। जो भी महिलाएं 5 मिनट से अगर 1 सेकंड भी ऊपर या फिर 2 सेकंड, एक ही सेकंड मान लो, अगर आप 1 सेकंड भी ऊपर समय लेती हो, तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्या सुना? अगर आप 1 किलोमीटर रेस क्लियर करने में 5 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा लेती हो, तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा उन कैंडिडेट को जो महिलाएं हैं, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, गोला फेक। और फ्रेंड्स कई मेरे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इसमें क्या चेंजेस हुआ है फिजिकल में, तो आपको दोस्तों दिखा देता हूं मैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा आप, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये 2017 की भर्ती का है,
सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट। पहले गाइस 6 मिनट का समय था महिलाओं के लिए, अब वो 5 मिनट कर दिया गया। तो बहुत सारी महिलाएं अब की बार रेस में फिजिकल में रहने वाली हैं, ठीक है। जिनकी भी तैयारी है पीएसटी की या फिर फिजिकल की रेस की, वो महिला ही रेस क्लियर कर पाएंगी। तो काफी पीएसटी काफी टफ हो चुका है महिलाओं के लिए, पुरुषों का वही है लेकिन महिलाओं के लिए ये टफ हो चुका है। जिनकी तैयारी है वही ये पीएसटी कर पाएंगी, फिजिकल पास कर पाएंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे देखिए 4 मिनट से कम मैंने बता दिया आपको ये। और फ्रेंड्स आप आगे हैं सेकंड नंबर पे गोला फेंक पे, अधिकतम 25 अंक। गोला फेंक के आपको अधिकतम 25 अंक मिलेंगे दोस्तों, जो एक देखिए यहाँ पे सभी कोटि के पुरुषों के लिए। फ्रेंड्स सभी कोटि के पुरुषों के लिए, चाहे मैं जनरल ओबीसी का किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, सबके लिए होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड का गाइस एक गोला होता है, लोहे का होता है आई थिंक वो, ठीक है। वो आपको 16 फीट फेंकना होता है, ठीक है। देखिए अधिकतम अंक के आपके 25 है इसमें। अगर आप 16 से 17 फीट तक गोले को फेंकते हो तो आपको 9 अंक मिलेंगे। अगर आप उसी गोले को 17 फीट से ज्यादा या फिर 18 फीट तक फेंकते हो तो 13 अंक मिलेंगे। 18 से ज्यादा या 19 फीट तक फेंकते हो तो 17 नंबर मिलेंगे आपको। 19 फीट से ज्यादा और 20 फीट तक फेंकते हो तो 21 नंबर मिलेंगे आपको। और अगर 20 से ज्यादा फेंकते हो तो 25 के 25 नंबर मिलेंगे आपको। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लास्ट में 20 से ज्यादा 25 अंक, ठीक है। कई इसमें भी छट जाएंगे और फिजिकल में तो छटने हैं ही, ठीक है। तो फिजिकल इसका आसान नहीं होता है, बहुत टफ होता है। जो तैयारी करेंगे वही इसमें क्लियर होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट 16 फीट से कम गोला फेंकेंगे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्या सुना? जो भी 16 फीट से कम फेंकेंगे गोले को उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा उन अभ्यर्थियों को, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। जो भी महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए है ये 12 पाउंड का गोला आपको 12 फीट फेंकना होगा, ठीक है। तो अभी देखिए 12 फीट से 13 फीट तक के आपको 9 अंक मिलेंगे। अगर आप 12 पाउंड का गोला 13 फीट तक फेंक देते हो, 12 से 13 तक, आपको 9 अंक मिलेंगे। 13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक फेंकते हो तो 13 नंबर मिलेंगे आपको। 14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक फेंकते हो तो 17 नंबर मिलेंगे आपको। 15 फीट से ज्यादा एंड 16 फीट तक फेंकते हो तो 21 नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें। लास्ट ऑप्शन देखिए 16 फीट से ज्यादा अगर आप फेंकते हो 12 पाउंड के गोले को, 16 फीट से ज्यादा फेंकते हो 12 पाउंड के गोले को, तो आपको 25 25 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा 25 25 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो काफी इसमें बाहर रहने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है। आपको गोला फेंक पे और फिजिकल पे पूरी तैयारी करनी है आपने, ठीक है। फ्रेंड्स ऊपर देखिए 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। जो भी 12 फीट से कम फेंकेंगे गोले को, चाहे 1 सेकेंड एक चाहे 1 सेंटीमीटर भी कम फेंक दें, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्या सुना? अगर आप 12 फीट से 1 सेंटीमीटर भी कम गोले को फेंक देती हो तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेज में बात कर लेते हैं आपकी ऊंची कूद के बारे में, जिसको हम हाई जंप भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके नंबर मिलेंगे आपको अधिकतम 25 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 25 अंक, ठीक है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए, चाहे उसमें आप जनरल ओबीसी किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, सबके लिए सेम फिजिकल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट आपकी गाइस में कम से कम 4 तो आपको फिट होनी चाहिए। 4 फीट तो आपके लॉन्ग मतलब हाई जंप आपका 4 फीट तो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 फीट 13 अंक, अगर आप 4 फीट ऊंची कूद करते हो तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच करते हो तो 17 अंक मिलेंगे। 4 फीट 8 इंच करते हो तो 21 नंबर मिलेंगे आपको। अगर आप 5 फीट कूद जाते हो तो आपको पूरे 25 मार्क्स मिलेंगे, 25 के 25 नंबर, अगर आप 5 फीट कूद जाते हो दोस्तों, 5 फीट हाई जंप कर लेते हो, ठीक है, जिसको हम ऊंची कूद भी बोल देते हैं। अभी देखिए 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट 4 फीट से कम कूदेंगे या फिर हाई जंप करेंगे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्या सुना? जो भी 4 फीट से कम कूदेंगे या फिर हाई जंप करेंगे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, उनको फेल कर दिया जाएगा वहां पे, ठीक है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए, ये दोस्तों महिलाओं के लिए बता रहा हूं अभी मैं, न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट, पुरुषों के लिए क्या था 4 फीट था, महिलाओं के लिए कितना 3 फीट। देखिए यहाँ पे 3 फीट अगर आप ऊंची कूद करती हो तो 13 अंक आपको मिलेंगे। 3 फीट 4 इंच करती हो तो 17 अंक मिलेंगे। 3 फीट 8 इंच करती हो तो 21 नंबर मिलेंगे आपको। अगर आप 4 फीट कूद जाती हो, महिला के लिए बता रहा हूं, अगर आप 4 फीट कूद जाते हो तो 25 पूरे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ध्यान दीजिएगा 4 फीट 25 अंक, ठीक है।
3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को अविसफल घोषित किया जाएगा। जो भी महिलाएं 3 फीट से नीचे कूदेंगी उनको असफल मतलब फेल कर दिया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका फिजिकल प्रोसेस था, आपका फिजिकल का आज पटना में होना है। और ये मान लो एंट्रेंस टेस्ट का जब रिजल्ट आएगा आपका, रिजल्ट के मान लो कम से कम आप 15-20 दिन के बाद आपका पीएसटी के लिए एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आपके पास टाइम अभी बहुत है, अभी लॉकडाउन चला हुआ है तो आप तैयारी कर सकते हो आराम से। आपको कुछ भी डाउट लगता है वीडियो में प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब पक्का दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो दोस्तों इतना ही था। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना बेल बटन भी जरूर ऑन कीजिएगा ताकि जब आपके लिए वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वो आपको टाइम से मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके। ठीक है, थैंक यू सो मच।